कुछ सच्ची और अनमोल बातें जो आपको अंदर से मजबूत बना देगी सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती है किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर कर ले। बहुत से लोग भगवान का नाम भी अपने मतलब के लिए ही लेते हैं सीता की आंखों में अगर आंसू थे तो तरपे राम भी होंगे राधा को अगर कृष्ण ना मिल सके तो कृष्ण भी अधूरे रहे होंगे यह जीवन जब भगवान के लिए इतना सरल नहीं है तो हम और मनुष्य की क्या औकात है तेरा मेरा साथ दरिया के दो किनारे हैं पानी एक है मगर मिलते कभी नहीं है उस इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है जो दावे तो आपके होने का करता है पर सपने किसी और के देखता है दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और उठे को मनाना आता है किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले बनावटी से लाख गुना अच्छा है रिश्ता चाहे कोई भी हो मन से होना चाहिए मतलब से नहीं जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है परिवर्तन से मत डरो अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है इंसान नहीं सारी दुनिया को जीतने वाला बाप अपनी औलाद के सामने हार जाता है माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती है जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन संस्कार चरित्र और ज्ञान नहीं अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं अहंकार और संस्कार में फर्क है अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है किसी के सहारे मत बैठो कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं अपना होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके ना कि संभलकर अपने सपनों को साकार करने की सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाएं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर आएगा चाहे वो इज्जत हो सम्मान हो या फिर धोखा जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूरज बनकर वही चमकता है उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है